हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है चांस बिग गेम मेथड, और इसको हम लोग मेथड ऑफ पेनल्टी भी बोलते हैं। तो आज हम लोग एलपीपी के इस प्रॉब्लम को पेनल्टी मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलपीपी को हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी यूज बिग गेम मेथड। तो फ्रेंड्स, हम लोग एलपीपी के इस प्रॉब्लम को जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से। तो हम यहाँ पे रफ वर्क में लिखते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में क्या होगा, मैक्स जेड इक्वल टू, ये मैक्स चेंज नहीं होगा, यहाँ पे है एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू है एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्लैक वेरिएबल एड होगा, तो ये हो जाएगा प्लस एस वन इक्वल टू 20। ये हम लोग जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लेक्स मेथड से लिख रहे हैं। इसके बाद है एक्स वन प्लस एक्स थ्री, और ये इक्वालिटी का साइन ही है तो यहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट है एक्स टू प्लस एक्स थ्री, और यहां पे ग्रेटर देन है तो यहां पे माइनस कर देंगे सरप्लस वेरिएबल को, और ये इक्वल टू हो जाएगा 10। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, जो वेरिएबल है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एस वन एस टू, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x1, x2, x3, s1, s2 greater than and equal to 0। इसके बाद जब हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, x1, x2 और x3 को इनिशियली 0 करते हैं। तो यहां से हमारा जो s1 का वैल्यू आता है फर्स्ट वाले से, s1 equal to 20, और इस वाले से देखिए s2 का वैल्यू आएगा यहाँ पे माइनस 10। तो अब यहाँ पे जो है एस टू इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है, लेकिन हम लोग बोले हैं एस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस आ रहा है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोग अब बिग गेम मेथड का यूज करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहले हम लोग को क्या करना है, जनरल फॉर्म के एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बिग गेम मेथड से। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेस देन इक्वल टू में एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल रहे तो हम लोग एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर इक्वल टू का साइन रहे तो हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि बिग गेम मेथड में हम लोग जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेस देन और अगर इक्वल टू का सिंबल रहा तो हम लोग सिंपल एक स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देंगे, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल रहा तो हम लोग सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे, और अगर इक्वल टू का सिंबल रहा तो हम लोग सिर्फ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है। तो फ्रेंड, आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो है कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, इसको बस हम लोग अपने प्रॉब्लम में ऐड करते हैं स्टार्टिंग का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, और इसका कॉस्ट जो होता है वो माइनस एम होता है। तो अब हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारा एस वन जो होगा स्लैक वेरिएबल होगा, एस टू सरप्लस वेरिएबल, और ए वन ए टू जो होगा हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा। तो इसको हम लोग अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री, और सब्जेक्ट टू, देखिए पहला इक्वेशन है एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 20, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस यहाँ पे स्लैक वेरिएबल एस वन इक्वल टू 20। सेकेंड कंस्ट्रेंट है हमारा एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा इक्वल टू 5, और थर्ड है हमारा एक्स टू प्लस एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे हमारा माइनस एस टू होगा सरप्लस वेरिएबल, और एक हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे और इक्वल टू करके लिख देंगे 10। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने सारे वेरिएबल हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एस वन एस टू ए वन और ए टू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इनिशियली क्या होगा हम लोगों का, एक्स वन
इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू एक्स थ्री जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और यहां से ये दोनों जीरो है तो एस वन का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 20। सेकेंड कंस्ट्रेंट से ए वन का वैल्यू आएगा हमारे पास 5, और थर्ड वाले से ए टू का वैल्यू आएगा 10। तो ये होगा हमारा इनिशियल जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया है। मैट्रिक्स का फॉर्म है एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पे जो सारे वेरिएबल्स है हमारे पास वो लिखा है, और ये जो तीन कंस्टेंट्स है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इससे हमने सारे वेरिएबल के कॉन्स्टेंट को लिखा है। जैसे फर्स्ट कंस्टेंट में हमारा एक्स वन का कॉन्स्टेंट है 1, एक्स टू का 1 और एस वन का 1, तो हमने यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर एस वन में 1 लिखा है, बाकी सबको 0 0। सेकेंड कंस्टेंट में हमारा एक्स वन और एक्स थ्री 1 है और ए वन भी 1 है, तो एक्स वन एक्स थ्री और ए वन 1 है, बाकी सारा 0। थर्ड में हमारा एक्स टू एक्स थ्री और ए टू जो है 1 है, एक्स टू एक्स थ्री और ए टू 1 है, और एस वन एस टू जो है हमारा -1 है, इस तरीके से लिखा है। और यहाँ पे एक्स के वैल्यू को हमने सारे वेरिएबल्स को लिखे हैं, और बी की वैल्यू को हमने सारा जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको लिख दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज जो है मैं बोलना भूल गई, देखिए यहाँ पे जो हमने एस वन एस टू ए वन ए टू को लिया है, तो हम लोगों का तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि एस वन एक्स टू जो है वो तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल है, तो उसका कॉस्ट जो है 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 0 एस वन और 0 एस टू लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम लोग हमेशा माइनस एम कॉस्ट के साथ लिखते हैं, माइनस एम इंटू ए वन माइनस एम इंटू ए टू, ठीक है। तो ये याद रखने वाला चीज है। तो एम क्या है अब देखते हैं। तो देखिए m जो है वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि माइनस m जो है वो एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। इसका मतलब माइनस 10m जो है वो माइनस 5m से छोटा होगा। अगर हम माइनस m बहुत छोटा है और उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने टेबल में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टेबल बना लिया है, जिस तरीके से हम लोग सिंप्लेक्स मेथड में टेबल बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी टेबल बनाना है। सीजे का वैल्यू को हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देख करके लिखना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारा एक्स वन है 1, एक्स टू के लिए कॉन्स्टेंट है -1, एक्स थ्री के लिए है 3, एस वन एस टू 0 0 है, और ए वन ए टू -m है। तो इसी सारे कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम लोग सीजे में पुट करेंगे। तो सीजे का वैल्यू को फिलअप कर लिया है। इसके बाद हम लोग बेसिक वेरिएबल के कॉलम को फिलअप करेंगे। तो देखिए बेसिक वेरिएबल में तो हम लोग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को लिखते थे, अब यहाँ पे हम लोग का आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन और ए टू भी है, तो अब हम लोग के पास टोटल 4 वेरिएबल है, एस वन एस टू और ए वन ए टू। तो अब चारों में से तो हम लोग को किसी 3 को ही यहाँ पर लिखना होगा। तो अब इन चारों में से कौन सा एक वेरिएबल को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हम लोग अपना कंस्ट्रेंट को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट कंस्ट्रेंट में तो हमारा एस वन है, तो हम लोग एस वन को लिखेंगे। सेकेंड में हमारा ए वन है, ए वन को भी लिखेंगे। थर्ड में जो है हमारा एस टू और ए टू, तो हम लोग एस टू के निगेटिव साइन को हटाने के लिए ही ए टू को ऐड किया है, इसलिए हम लोग एस टू को नहीं लिखेंगे, ए टू को लिखेंगे। तो अब हमारे पास बेसिक वेरिएबल के कॉलम में आ जाएगा एस वन ए वन और ए टू। अब इसके बाद हम लोग सी बी का वैल्यू को लिखेंगे, एस वन के लिए है 0, ए वन के लिए है -1 और ए टू के लिए भी है -1। एक्स बी का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे राइट ये वाला वैल्यू को देख के लिखते हैं जो राइट हैंड साइड में है, 25 और 10। तो यहाँ पे होगा 25 और 10, और इसको फिलअप करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स को देख के फिलअप करते हैं। तो जिस तरीके से हमने मैट्रिक्स बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से ये पूरा टेबल को फिलअप कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे पास जो है इनिशियल टेबल बन गया है। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे हम लोग जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट जैसे पहले किया था, मतलब जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू होगा हमारे पास एक्स बी, सॉरी यहाँ पे सी बी है, सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। तो सी बी है हमारे पास 0 माइनस एम माइनस एम, एक्स जे है यानी कि फर्स्ट हम लोग कॉलम के लिए निकालेंगे तो एक्स वन होगा, एक्स वन है 1 1 0 और उसके लिए सी जे है हमारे पास 1, तो हमारे पास जेड जे माइनस सी जे हो जाएगा। देखिए तो देखिए हमने जेड वन माइनस सी वन निकाला है, सी बी इंटू एक्स वन माइनस सी वन करके ये वैल्यू आया है हमारे पास। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे माइनस एम
माइनस वन आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस एम माइनस वन। इसी तरीके से हम लोग जेड टू माइनस सी टू निकालेंगे, तो ये सी बी को जो है एक्स टू के वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और माइनस जो है सी टू करेंगे यहाँ पे जो हमारा माइनस वन है उससे। तो देखिए हमारे पास जेड टू माइनस सी टू का वैल्यू आया है माइनस एम प्लस वन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस एम प्लस वन। इसी तरीके से हम लोग जेड थ्री माइनस सी थ्री निकालेंगे, जेड थ्री माइनस सी थ्री के लिए, जेड थ्री माइनस सी थ्री के लिए हम लोग सी बी इंटू एक्स थ्री माइनस सी थ्री करेंगे, मतलब सी बी इंटू एक्स थ्री माइनस सी थ्री यानी कि माइनस थ्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबको मल्टीप्लाई करते करते ऐड करेंगे, जीरो इंटू जीरो प्लस माइनस एम इंटू वन प्लस माइनस एम इंटू वन, माइनस कर देंगे थ्री से। तो फ्रेंड यहाँ पे वैल्यू आया हमारा माइनस टू एम माइनस थ्री। इसके बाद हम लोग जेड फोर माइनस सी फोर करेंगे, इसके लिए हम लोग सी बी इंटू एक्स फोर करेंगे, सी बी इंटू एक्स फोर हमारा एस वन होगा, इस बार एस वन है वन जीरो जीरो, और माइनस कर देंगे सी फोर यानी कि जीरो से। तो फ्रेंड यहाँ पे z4 माइनस c4 आया है जीरो, यहाँ पे लिख देंगे जीरो। इसके बाद z5 माइनस c5 निकालेंगे इसी तरीके से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर m। z6 माइनस c6 निकालेंगे, हाँ तो यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारा जीरो, और इसके लिए हम लोग निकालेंगे z7 माइनस c7, तो इसके लिए वैल्यू आएगा हमारे पास जीरो। तो आप लोग ये निकाल के देख लीजिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे ZJ माइनस CJ को देखना है कि सारा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस एम है, यहाँ भी माइनस एम है, और यहाँ पर भी माइनस एम है, ये तो प्लस एम है, तो अब इन तीनों में से कौन सा जो है हमारा मोस्ट निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस एम माइनस एम है, और यहाँ पे माइनस टू एम है। अगर माइनस एम बहुत बड़ा वैल्यू है तो माइनस सॉरी एम अगर बहुत बड़ा वैल्यू है तो माइनस एम हमारा बहुत छोटा वैल्यू होगा, और उसके साथ हम लोग टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उससे भी छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे एम है, यहाँ भी एम है, और यहाँ टू एम है, तो ये टू एम माइनस थ्री जो है ये वाला वैल्यू हमारा मोस्ट निगेटिव होगा। इसको हम लोग यहाँ पे एरो बना करके, और हमारा जो एक्स थ्री का जो है कॉलम होगा इसको बोलेंगे की कॉलम, और एक्स थ्री को हम लोग बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर। और इसके लिए हम लोग को अब आउट गोइंग वैक्टर निकालना पड़ेगा। आउट गोइंग वैक्टर निकालने के लिए हम लोग सेम जैसे पहले निकालते थे मिनिमम रेशियो, उसी तरीके से मिनिमम रेशियो निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स बी बाई की कॉलम होता है। की कॉलम हम लोग ने निकाला एक्स थ्री है, तो यहाँ पे एक्स बी बाई एक्स थ्री होगा, और एक्स थ्री जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स थ्री जो है फर्स्ट वाले में जीरो है, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सेकेंड वाले में देखिए एक्स थ्री वन है, तो क्या करेंगे एक्स बी फाइव बाई वन इक्वल्स टू फाइव। नेक्स्ट है टेन, और यहाँ पे वन, तो टेन बाई वन इक्वल्स टू टेन। अब फाइव और टेन में मिनिमम हमारा फाइव है, तो इसके साथ जो हमारा रो है ए वन का रो, ये होगा हमारा की रो, और इसके साथ ए वन जो है आउट गोइंग वैक्टर होगा। ए वन बाहर जाएगा और उसके जगह आएगा एक्स थ्री। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टेबल बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेते हैं, एस वन ए वन और ए टू, एस वन ए वन और ए टू ये जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। तो देखिए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एस वन जो है वन जीरो जीरो, ए वन है जीरो वन जीरो, और ए टू है जीरो जीरो वन। तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है इसी तरीके से हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये चीज हमेशा आप लोगों को देख लेना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखिए सेकेंड टेबल बना लिया है, और इसके साथ में हमने यहाँ पे लिखा है सिंस सम ऑफ जेड जे माइनस सी जे। इससे पहले लिखा है टेबल बनाने से पहले कि जेड जे माइनस सी जे जो था हमारा लेस देन जीरो था, इसीलिए हम लोग का सॉल्यूशन जो था वो ऑप्टिमम नहीं था। तो हमने मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जेड जे माइनस सी जे को चूज किया, ये वाला वैल्यू को हमने पहले टेबल में चूज किया था, और इसी वजह से हमारा एक्स थ्री जो वेरिएबल है वो इंटर किया है बेसिस में, और आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन जो है वो बाहर गया है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जो ए वन बाहर गया है, तो बिगेम मेथड में हम लोग अगर यहाँ पे ए वन का जो हम लोग कॉलम बनाए तो भी चलेगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एस वन एस टू और ए टू का कॉलम बनाए, ए वन का नहीं बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ए वन कॉलम नहीं भी बना सकते, या फिर ए वन का कॉलम बना दिए हैं तो आप लोग चाहें तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल को देखेंगे। सीजे का वैल्यू जो पहले टेबल में हम लोग का था वो सेम रहेगा, और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में हमारा एस वन ए वन सॉरी यहाँ पे तो एक्स थ्री आ रहा है,
तो यहाँ पर एस वन, एक्स थ्री और ए टू लिख दिया है हमने। इसके साथ सीबी का वैल्यू हम लोग एस वन के लिए लिखेंगे जीरो, एक्स थ्री का लिखेंगे थ्री और ए टू के लिए लिखेंगे माइनस एम। इसके बाद हम लोग एक्स बी से लेकर के ए टू तक का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इससे जस्ट प्रीवियस वाला टेबल को देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग को यहाँ पे जो है ए वन में, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा की रो है, इसको हम लोग पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं आर वन, आर टू, आर थ्री। देखिए हम लोग जो है एक्स थ्री को अंदर लाए हैं ए वन की जगह, तो पहले ए वन का हम लोग कॉलम देखते हैं। ए वन के कॉलम में था जीरो वन जीरो, तो अब हम लोग का मोटिव है कि जो एक्स थ्री जो अंदर आया है वो भी हमारे न्यू टेबल में जीरो वन जीरो रहे। तो देखिए एक्स थ्री को हम लोग को जीरो वन और जीरो बनाना है, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। तो एक्स थ्री को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जीरो ऑलरेडी है और यहाँ पर भी ऑलरेडी वन है, तो इस वन को हम लोग को सिर्फ जीरो बनाना पड़ेगा। मतलब ये जो दो हम लोग का रो है, ये दोनों रो सेम जैसे है उसी तरीके से हम लोग न्यू टेबल में लिख देंगे और इसको हम लोग जीरो करने के लिए ऑपरेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे आर वन डैश और आर टू डैश लिख दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे हमने आर वन डैश और आर टू डैश का वैल्यू फिलअप कर दिया है। अब आर थ्री डैश निकालना है, तो आर थ्री डैश निकालने के लिए हम लोग जो है आर थ्री का और आर टू डैश का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग आर थ्री, देखिए आर थ्री डैश में हम लोग को यहाँ पे वन को जीरो करना है, तो यहाँ पे वन माइनस वन कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। और आर टू डैश तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी आर टू डैश में वन है। आर टू डैश को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आर टू डैश जो है हमारा न्यू की कॉलम था, मतलब की रो जो था उसको हम लोग नेक्स्ट टेबल में जो लिखे थे आर टू डैश को उसको यूज करेंगे। तो वन माइनस वन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे आर थ्री डैश को आर थ्री माइनस आर टू डैश। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आर थ्री डैश को भी फिलअप कर लिया है। अब देखिए हमारा एस वन, एक्स थ्री और ए टू जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। एस वन जो है हमारा वन जीरो जीरो है, एक्स थ्री हमारा जीरो वन जीरो है और ए टू जो है जीरो जीरो वन है। तो इन तीनों को अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना है, तो जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट हम लोग करेंगे सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। तो जेड वन माइनस सी वन होगा जीरो इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस माइनस एम इंटू माइनस वन और माइनस कर देंगे वन से। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पे जेड वन माइनस सी वन का वैल्यू निकाला है एम प्लस टू, तो यहाँ लिखेंगे एम प्लस टू। इसी तरीके से फ्रेंड हम लोग जेड टू माइनस सी टू के लिए ये एक्स टू को और सी बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जीरो इंटू इस तरीके से जीरो इंटू वन प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस माइनस एम इंटू वन और माइनस कर देंगे ये जो ऊपर में लिखा हुआ है सी जे का वैल्यू उससे। इसी तरीके से जेड थ्री माइनस सी थ्री को भी जीरो इंटू जीरो, सी बी को और एक्स थ्री को सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे और माइनस कर देंगे थ्री से। फिर यहां पर भी इसी तरीके से करेंगे सी बी को और एस वन के सारे जो है वैल्यूज को उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे और माइनस कर देंगे जीरो से, सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से हमने पूरा जो है जेड जे माइनस सी जे का जो है रो का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए एक एक करके पुट करेंगे। जेड टू माइनस सी टू के लिए हमारे पास आया माइनस एम प्लस वन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एम प्लस वन। इसके बाद हमारा आया है जेड थ्री माइनस सी थ्री के लिए जीरो और जेड फोर माइनस सी फोर के लिए भी जीरो, तो जीरो जीरो। नेक्स्ट आया हम लोग का जेड फाइव माइनस सी फाइव का वैल्यू एम। जेड सिक्स माइनस सी सिक्स के लिए आया है थ्री प्लस टू एम। और जेड सेवन माइनस सी सेवन के लिए हमारे पास वैल्यू आया है जीरो। तो अब हम लोग जो है टेबल को पूरा फिलअप कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जेड जे माइनस सी जे जो है सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है कि नहीं। तो ये ग्रेटर देन है, ये निगेटिव है, इसके अलावा और कोई निगेटिव नहीं है। तो ये ही हमारा हो जाएगा, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारा रो रहेगा यही वाला हो जाएगा हमारा की रो। और एक्स टू जो होगा इनकमिंग वैक्टर होगा और इसके जगह हम लोग आउट गोइंग वैक्टर निकालने के लिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्स बी बाई की कॉलम। तो की कॉलम है हमारे पास एक्स टू, तो एक्स बी बाई एक्स टू होगा और एक्स टू जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स बी का वैल्यू है ट्वेंटी और एक्स टू का वन, तो ट्वेंटी बाई वन यहाँ पे होगा ट्वेंटी। फाइव बाई यहाँ पे जीरो है तो इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे।
और यहाँ पे 5/1 है, यहाँ पे जीरो के लिए कैलकुलेशन नहीं किए, ठीक है। अब यहाँ पे 5/1 है तो 5/1 = 5, और 20 और 5 में मिनिमम हमारा है 5, तो यहाँ पे जो है हमारा की रो हो जाएगा A2 का रो। तो ये A2 जो है अब हमारा बाहर जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर है A2 और इसके जगह इनकमिंग वेक्टर X2 होगा, और की रो और की कॉलम में जो हमारा कॉमन एलिमेंट है 1, ये होगा हमारा की एलिमेंट। तो अब हम लोग नया टेबल बनाएंगे और A2 की जगह X2 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे जो है न्यू टेबल बना लिया है, सीजे का वैल्यू हमारा तो सेम रहेगा। न्यू टेबल में हमने यहाँ पे लिखा है X2 जो है इंटर कर रहा है और उसकी जगह आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 जो है बाहर जा रहा है, तो हमारा जो है बेसिक वेरिएबल के कॉलम में S2 और X3 वैसे रह गया और A2 की जगह X2 आया है। इसके बाद करेंगे CB का वैल्यू को फिलअप। S1 के लिए है 0, X3 के लिए हम लोग 3 फिलअप करेंगे और X2 के लिए -1। अब इसी तरीके से हम लोग जैसे पहले टेबल को फिलअप किए थे, इसको भी उसी तरीके से फिलअप कर देंगे XB और A2 का वैल्यू को। फ्रेंड्स देखिए, हम जैसे पहले बताए हैं कि अगर आप लोग चाहें तो जो जो वेरिएबल बाहर जा रहा है, जैसे यहाँ पर जो है A2 जो है बाहर चला गया, तो आप लोग चाहें तो A2 का कॉलम नहीं बनाए तो भी चलेगा। तो इसका मतलब देखिए, अगर आप लोग ऐसे करें कि फर्स्ट टेबल में जो है A1 बाहर गया था, A1 जो है बाहर गया था, तो A1 का जो है कॉलम नहीं बनाते, तो ये हमारा जो है A1 का यहाँ पे कॉलम नहीं रहता, ये कुछ इस तरीके से रहता। अब यह जो हम नया टेबल बनाए हैं, यहाँ पर जो है A2 बाहर गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, A1 और A2 दोनों में से किसी भी का भी कॉलम नहीं बनाते। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी जो हमारा वेरिएबल है जो बाहर जा रहा है, उस वेरिएबल का कॉलम नहीं बनाएंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन वो थोड़ा इजी हो जाएगा, हम लोग को इसके लिए वैल्यूज निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर, अभी हम लोग क्या करेंगे, की एलिमेंट को 1 करेंगे। देखिए, न्यू टेबल को फिलअप करने के लिए हम लोग उससे जस्ट प्रीवियस वाला टेबल को देखेंगे, और हम लोग यहाँ पे क्योंकि A2 जो है बाहर गया है, इसके जगह X2 आया है, तो A2 में हमारा क्या था, 0, 0, 1, तो अब हम लोग को X2 में भी जो है 0, 0 और 1 करना होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे तो पहले से 0 है और यहाँ पर पहले से 1 है, तो इन दोनों को चेंज करने का जरूरत नहीं है। हमारा R2 जो होगा और R3 जो है दोनों सेम हम लोग न्यू टेबल में उसी तरीके से लिख देंगे, ये वाला और ये वाला रो को। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे इसको मान लेते हैं R1 R2 और R3। तो R2 और R3 को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब R1 को यूज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, देखिए R1 निकालने के लिए हम लोग इससे पहले वाले R1 को यूज करेंगे और R3 को यूज करेंगे। R3 को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा जो है मॉडिफाइड की रो है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे, और इससे R1 निकाल रहे हैं इसलिए इससे पहले वाला R1 को यूज करेंगे। तो देखिए, R1 में हम लोग को यहाँ पे 0 करना है, पहले से यहाँ पे 1 है, तो 1 को -1 कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास R3 में जो है, R3 में यहाँ पे पहले से जो है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल R1 - R3 कर देंगे, तो ये वाला जो वैल्यू है 0 आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग R1 को निकालने के लिए R1 - R3 करके यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है। इसके बाद हम लोग ZZ - CJ निकालेंगे। तो फ्रेंड, ZZ - CJ तो हम लोग निकालना जानते हैं, ZZ - CJ हम लोग निकालते हैं CB × X1 - CJ। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस तरीके से जैसे पहले के दोनों टेबल में कैलकुलेट करके लिखे थे, उस तरीके से ही यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है सारा ZZ - CJ का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग चाहें तो एक बार मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैल्यू आया है Z1 - C1 के लिए 3, यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिख दिया है। Z2 - C2 के लिए आया है 0, Z3 - C3 के लिए भी है 0, Z4 - C4 का है 0, Z5 - C5 के लिए है 1, Z6 - C6 का है 4+m, और Z7 - C7 के लिए आया है m-1। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सारा जो ZZ - CJ जो है वो > 0 है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, 3 है, 0, 0 है, 1 है, और ये 4+m जो है लार्ज वैल्यू है पॉजिटिव में, तो ये भी है > 0 है,
और ये m माइनस वन भी ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि अगर m एक बहुत बड़ा वैल्यू है तो उसमें से माइनस वन कर देंगे तो वो निगेटिव नहीं होगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो m माइनस वन भी जो है पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा zj माइनस cj जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो चुका है। तो अब हम लोग बिग एम मेथड के लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ने वो टेबल बना लिया है जहाँ पर हम लोग का सारा zj माइनस cj का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया है। तो उस टेबल में हम लोग देखेंगे, पहला केस में अगर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग का बेसिक वेरिएबल के कॉलम में नहीं है और हमारा zj माइनस cj भी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया है। दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि हमारे टेबल में कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है आ रहा है और वो जो है ज़ीरो लेवल पे आ रहा है और हमारा जो है कंडीशन भी जो है zj माइनस cj जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो भी हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो करेंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तीसरा जो है हम लोग देखेंगे कि हमारे टेबल में जो कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है लेकिन पॉजिटिव लेवल पे आ रहा है और हमारा जो है zj माइनस cj भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो नो फिजिबल सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है कंस्ट्रेंट्स को बट ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक लार्ज पेनल्टी कंटेन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्यूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल के कॉलम में है कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है और zj माइनस cj भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है सारा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि फर्स्ट कंडीशन जो है मैच कर रहा है हम लोग का, तो यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऑप्टिमल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, तो देखें यहाँ पे हमने लिखा है सिंस ऑल zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड इज गिवन बाई एक्स वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे बेसिक वेरिएबल में जो है एक्स वन नहीं है तो एक्स वन जीरो हो जाएगा, एक्स टू इक्वल टू फाइव और एक्स थ्री इक्वल टू भी फाइव, यहाँ पे एक्स टू इक्वल टू फाइव और एक्स थ्री इक्वल टू फाइव होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्स जेड निकालेंगे। मैक्स जेड हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं सी बी इंटू एक्स बी करके। अब देखिए सी बी है हमारा जीरो जीरो थ्री और माइनस वन और एक्स बी है फिफ्टीन फाइव और फाइव, तो सी बी इंटू एक्स बी करेंगे जीरो इंटू फिफ्टीन प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस माइनस वन इंटू फाइव। तो मैक्स जेड हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा जीरो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन माइनस फाइव इक्वल्स टू टेन। तो यहाँ से मैक्स जेड का वैल्यू हमारा टेन आ गया है। मैक्स जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ से भी मैक्स जेड निकाल सकते हैं जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री, तो एक्स वन जीरो हो जाएगा और एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू पुट करेंगे तो भी यहाँ पे टेन आएगा। दोनों सेम ही बात है, जैसे भी चाहे वैसे निकालें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारा आंसर जो है निकाल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन के ऊपर, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।